रुकते हैं प्रदेश की ओर। 17 और 18 नवंबर को बिलासपुर जिला की 8 पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 सीटों पर पंचायत समिति सदस्यों और 2 उप प्रधान के पद शामिल हैं। आपको बता दें कि जिले के 11 सीटों पर उपचुनाव होना निर्धारित किया गया है। 17 और 18 नवंबर को बिलासपुर जिला की 8 पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 6 सीटों पर पंचायत समिति सदस्यों और उप प्रधान के पद शामिल है। आपको बता दें कि जिले की 11 सीटों पर उपचुनाव होना निर्धारित किया गया, जिसमें पंचायत सदस्यों की 3 सीटों पर केवल एक ही उम्मीदवार होने के चलते उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है, जबकि अन्य 8 सीटों में से 6 सीटों पर पंचायत सदस्य और 2 पर उप प्रधान के चुनाव होने हैं। इस बात की जानकारी देते हुए जिला पंचायत अधिकारी एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि पपलोआ, पंचकाई और कुंडावाला में पंचायत सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है, जबकि 7 सीटों में बकरोआ, ढूंढिया, समो, बलो, बल बलहाना में पंचायत सदस्यों और ढाबला व डंगार में उप प्रधान पद को लेकर 17 नवंबर को, जबकि नैना देवी हल्के की माकड़ी निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत सदस्य को लेकर 18 नवंबर को उपचुनावों का आयोजन किया जाएगा, जिसके परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। वहीं 8 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा उपचुनावों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 11 निर्वाचन क्षेत्रों में से 3 वार्ड सदस्यों के, मतलब पंचायत सदस्यों के जो चुनाव हैं वो निर्विरोध हो चुके हैं। निर्वाचन के दिन जो पंचायत सदस्य और उप प्रधान के हमारे पास हैं, कुल मिला के ये 6 जो निर्वाचन क्षेत्र अब हैं, 7 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं इनमें 2 उप प्रधान हैं और कुल मिला के 5 वार्ड सदस्य हैं। इनके लिए 17 तारीख को 3 बजे तक मतदान होगा और उसके मतदान के तुरंत बाद, जैसे ही ये जो मतपेटियां हैं ये मतगणना स्थल पे पहुंचेंगी, तो उसी दिन जो है मतगणना होगी और उसी दिन मतगणना की समाप्ति के बाद इनका परिणाम जो है वो संबंधित जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। जहां तक पंचायत समिति स्वारघाट के माकड़ी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, वहां पे 18 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना की समाप्ति के बाद उनका भी परिणाम जो है वो रिटर्निंग अधिकारी घोषित करेंगे।